हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके सो देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन अभी आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, सो आपका पर्सन आपको क्या बताना चाहता है। देखिए, सबसे पहले कार्ड आया लाइफ पर्पस का, कनेक्शन का, इंटीमेसी का, सोलमेट्स का, बाउंड्रीज का, सरेंडिपिटी का। देखिए, सबसे पहले ना आज के दिन में इस पर्सन का जो सवाल था वो ये था प्रकृति से कि आपने मुझे इस इंसान से क्यों मिलाया, क्यों आपने मुझे इस इंसान से मिलाया, क्यों आपने मुझे इस इंसान का इस इंसान से इतना मुझे लगाव कराया, मैं इस इंसान से इतना लगाव में क्यों आया या क्यों आई, मुझे नहीं करना था, मुझे आप मुझे इस तरीके से आपने मुझे क्यों इन्वॉल्व किया सारी चीज़ों में, आपने मुझे उससे दूर क्यों नहीं किया, आप मुझे उसके इतने पास क्यों आने दिया। ऐसे दुनिया भर की क्वेश्चंस करते हैं ना लोग, वो कुछ क्वेश्चंस ना ये पर्सन आज के दिन में कर रहे थे, ठीक है। एंड यहाँ पर कनेक्शन का भी कार्ड, उसका कारण ये है कि आपका ये इंटेंस कनेक्शन इस पर्सन के दिमाग से हट ही नहीं रहा है। मतलब ये इंसान सब चीज़ें कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन एक काम नहीं कर पा रहा है, वो है आपको दिल से निकालना, आपको इस कनेक्शन में बुलाना, क्योंकि इस पर्सन ने कोशिश करके देख ली डियर, ठीक है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन इस पर्सन ने आपको बुलाने की कोशिश करके देख ली, जितनी चीज़ें ये कर सकते थे आपको बुलाने के लिए इस पर्सन ने सब करके देख लिया। अगर ये पर्सन मतलब ये पर्सन ने करियर में फोकस करके देख लिया, बाकी चीज़ों में फोकस करके देख लिया, ट्रैवल करके देख लिया, चीज़ों के साथ घूमना फिरना, किसी और के साथ कनेक्शन में भी आकर देख लिया, किसी और के साथ, आई थिंक यहाँ पर इससे इंटीमेसी का भी कार्ड है, तो जैसे किसी और के साथ इस पर्सन ने ना एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर भी देख लिया आई थिंक, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मैसेज आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, जैसे लगता है कि इस पर्सन ने ना हर तरीके की चीज़ों को ट्राई किया है आपसे, आप मतलब जैसे आपको भुलाने के लिए, बट यहाँ पर आप जिस तरीके से इस पर्सन के दिल और दिमाग पर छपे हुए हो, जैसे लगे हुए हो, जैसे आप ये पर्सन ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना इंटेंस कनेक्शन ये पर्सन बिल्कुल भुलाए नहीं भूल पा रहे, इस पर्सन को ना इस पर्सन का दिमाग खराब हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन की एनर्जी ये दिखाई देती है, जैसे पर्सन आज के दिन में ऐसे सवाल कर रहे थे कि मैं आपसे क्यों मिला, मतलब वो आपसे क्यों मिले, उनको आपसे नहीं मिलना चाहिए था, उनको आप प्रकृति ने आपके साथ क्यों मिलाया, ठीक है, क्या कारण है ऐसा वैसा। क्योंकि ना इस पर्सन का ये जो कनेक्शन है, आप इस पर्सन से दूर होकर भी जितने इस पर्सन के पास में है, कोई और इस पर्सन के उतने पास होकर भी उस पर्सन से उतना दूर है, मतलब आई थिंक आप मेरा मैसेज ले पाए, मतलब आप इस पर्सन से दूर होकर भी बहुत पास हैं, और कोई इंसान इस पर्सन के पास होकर भी इस पर्सन से दूर है, ठीक है, ऐसा इस पर्सन को महसूस होता है। यानी कि अगर ये अपनी फैमिली में है, पेरेंट्स के साथ है, किसी के साथ भी है, तो जितने करीब आप इस पर्सन को महसूस होते हैं इनके, उतना करीब इस पर्सन को इनके आसपास के लोग महसूस नहीं हो रहे हैं, तो इसका पर्सन का ना बहुत दिमाग खराब है। दूसरा, ये पर्सन को जो मतलब एक इंटीमेसी की एनर्जी है यहाँ पे, तो जो इस पर्सन को फीलिंग्स आपके साथ आती हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके जो चीज़ें इस पर्सन को फील होती हैं, ठीक है,
आपसे बातचीत कर कर जो इस पर्सन को एक अपनापन फील होता है, वो इस पर्सन को ना किसी और के साथ एक हम कह सकते हैं कि स्ट्रांग बॉन्ड में बनने के बाद भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब किसी और के साथ अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लोज जाने की कोशिश करते हैं तो भी ये पर्सन आपको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। आप मतलब आपकी एनर्जी इस पर्सन को किसी और में फील नहीं होती है, ये आपकी एनर्जी को किसी और में फील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड आ रहा है, तो इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो बॉडी बॉडी का है ही नहीं, ठीक है। इसका और आपका जो कनेक्शन है वो सोल का कनेक्शन है, कि सोलमेट से कार्ड आ रहा है। क्योंकि इस तरीके का जब अनुभव कोई इंसान कर लेता है कि वो ये देख रहा है कि आपके साथ उसको क्या फील होता है और किसी और के साथ उसको क्या फील होता है, तो उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। क्योंकि आपके साथ ये पर्सन यहाँ पर ना बड़ी अच्छी एक ओशो की बात मुझे याद आ रही है, ठीक है। ओशो की कहीं पर मैंने एक बात पढ़ी हुई थी कि उन्होंने ना मतलब एक चीज़ बोला था कि प्रेम एक समाधि के जैसा है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी की या फिर इस चीज़ की जो हम बात करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये भी एक समाधि की जैसा है, ठीक है। समाधि मतलब यहाँ पर जब आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हैं और किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं तो वो भी एक समाधि की तरह है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों की सोल इन्वॉल्व होनी चाहिए। मतलब दो व्यक्ति की बॉडी के साथ साथ अगर उनकी सोल भी इन्वॉल्व है तो वो किसी समाधि से किसी साधना से कम नहीं होता है, ठीक है। इंटीमेट इंटीमेसी इंटीमेट कनेक्शन आपका जो भी बनता है किसी व्यक्ति के साथ वो एक समाधि एक साधना से कम नहीं होता है, तब जब उस समय पर उस व्यक्ति के साथ दो बॉडी के साथ साथ दो सोल्स भी इन्वॉल्व हों, ठीक है ना। तो आपके साथ यही शायद कनेक्शन इस पर्सन का स्ट्रांग है क्योंकि आपके साथ इस पर्सन के सोल भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें फील आपके लिए करते हैं वो चीज़ें किसी और के साथ फील नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को वो फीलिंग नहीं आती है, या फिर इस पर्सन को ना शायद आपके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है, ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर सोलमेट्स का कनेक्शन, सोलमेट्स क्लियर दिखा रहा है कि सोल कनेक्शन इस पर्सन को आपके साथ फील होता है, कि डेफिनेटली यहाँ पर जो कनेक्शन है यहाँ पर दो बॉडीज कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर दो रूह जुड़ी हुई है। रूह मतलब आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर जो दो बॉडीज नहीं है यहाँ पर दो सोल्स हैं, ओके। यहाँ पर कार्ड आ रहा है बाउंड्रीज का एंड सरेंडिपिटी का। सो इस पर्सन ने ना आपके साथ बाउंड्री सेट करके कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ऐसा जानना चाहते हैं प्रकृति से या परमात्मा से कि आप मुझे बताइए कि इस पर्सन से आपने मुझे क्यों मिलाया, ठीक है। क्यों मुझे इस पर्सन से मिलाया आपने, क्यों आपने मुझे इस इंसान का बार बार ख्याल मेरे मन में डाला, क्यों मुझे इस पर्सन के इतने करीब जाने दिया, या फिर जैसा भी है। तो इस पर्सन ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, बाउंड्री सेट कर ली इस पर्सन ने, सरेंडर कर दिया कि जो होगा आप देखा जाएगा, ठीक है। ये प्रकृति से आंसर चाहता है क्योंकि बहुत कष्ट में है इंसान, ठीक है। जो मतलब कहते हैं ना कि इंसान कहता है कि एक बार को वो चोट खा सकता है, मार खा सकता है, वो हर तरीके का दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपका दिल टूटने का जो एक पेन होता है, ठीक है, वो इंसान से बर्दाश्त नहीं किया जाता, ठीक है। वो इंसान को ऐसा लगता है कि अब वो अंदर से ख़त्म कर देगा उसको, ठीक है। बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर से ख़त्म से हो जाते हैं, ठीक है, और वो चेहरे पर दिखाई देने लगता है उनके, वो नूर चला जाता है उनके चेहरे के ऊपर से जब वो किसी लव स्ट्रॉन्ग लव कनेक्शन में तोड़े गए होते हैं। तो उसी तरीके का मतलब इस पर्सन का एनर्जी है गाइस, इस पर्सन को ऐसी फीलिंग हो रही है कि पर्सन अंदर से ऐसे ख़त्म से होते जा रहे हैं। तो इस पर्सन ने एक बाउंड्री सेट करके ना जैसे सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के ऊपर, सबसे बाउंड्री सेट कर ली इस पर्सन ने, आपसे भी बाउंड्री सेट कर ली और सरेंडर कर दिया कनेक्शन की, कि आप मुझे बताएं कि इस इंसान से आपने मुझे क्यों मिलवाया, क्यों आपने इस इंसान का मतलब क्यों आपने मुझे इस इंसान से मिलवाया, क्यों आप मुझे इसके इतने करीब लेकर गए, ठीक है, कि मेरी सारी खुशियां ही छिन गई, अब मैं कैसे जीऊंगा या जीऊंगी, कुछ ऐसे शब्द इस पर्सन के आज के दिन में थे। हम ये देखते हैं कि परमात्मा ने आंसर क्या दिया क्योंकि इस पर्सन ने क्वेश्चन तो पूछा है, तो अब मेरे को चैन तो पड़ेगा नहीं कि जब तक मैं ये नहीं जान लूँ कि इस पर्सन को आंसर क्या मिला। प्लीज हरिहरा गाइड में आपने मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स को क्या आंसर किया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन से शायद परमात्मा ने ऐसा कहने की कोशिश की है कि देखिए बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया है शायद परमात्मा ने आपके पार्टनर को,
कि हमने तो तुमको दिया था, ठीक है, हमने तो तुमको दिया था, हमने तो तुम्हें सब मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, हमने तो तुमको दिया था, लेकिन तुमने ही अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में उसको जाने दिया, ठीक है। परमात्मा ने आंसर देखो क्या दिया, हमने तो तुम्हें दिया था, तुमने ही अपने घमंड में जाने दिया, क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड आ रहा है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि परमात्मा ने इस पर्सन को ऐसा जवाब दिया है कि हमने तो तुम्हें दिया था, ठीक है, अब हम तो तुम्हारी किस्मत में ही लिखना चाहते थे, लेकिन तुमने कभी मांगा ही नहीं, तुमने खुद जाने दिया। डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का कार्ड ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पार्टनर को जो जवाब मिला है परमात्मा से, वो ये मिला है कि हमने तुम्हें दिया था, हमने तो तुम्हारी किस्मत में ऑलमोस्ट लिख ही दिया था उस इंसान को, लेकिन तुमने खुद ही अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में उसको जाने दिया, तुमने खुद ही अपने घमंड में उसे जाने दिया, या फिर तुमने तो कभी उसे खुलकर मांगा ही नहीं, तुम तो शायद उसको चाहते ही नहीं थे, कुछ इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन को जैसे इस पर्सन को ऐसे जवाब मिले हैं, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको खुद जाने दिया है, अगर इस पर्सन ने आपसे आपको खुद से दूर खुद ही किया है, ठीक है, तो जैसे इस पर्सन को ऐसे ही जवाब मिले हैं कि सारा डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पर्सन के अंदर जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी थी, परमात्मा ने इस पर्सन को यही बताया कि तुम्हारी उन्हीं एनर्जीज की वजह से, तुम्हारे घमंड की वजह से, तुम्हारे गुस्से की वजह से, तुम्हारे चिड़चिड़ापन की वजह से, तुम्हारे सही समय पर सही डिसीजन न लेने की वजह से, हमेशा अपने चलाने की वजह से, मैनिपुलेशन की वजह से, ठीक है, अपनी बातें सही तरीके से ना बोलने की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से तुमने उस इंसान को खोया है, ठीक है। ये आंसर मिले हैं आपके पार्टनर को, एंड मैनिफेस्टेशन कार्ड है, तो आई थिंक इस पर्सन से ऐसा भी बोला गया कि तुम ये बताओ कि तुमने उसको मांगा कब था, या तुमने ये कब कहा था कि मुझे तो यही इंसान चाहिए, मुझे तो इसी इंसान के साथ शादी करनी है, या फिर मैं तो इसी के साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम, मुझे यही इंसान मेरे पास रहने दो, तुमने उसको मांगा कब था। तो ऐसे आंसर्स परमात्मा ने शायद इस पर्सन को दिए हैं, क्योंकि इसी तरीके की कार्ड आए हैं। वाह क्या बात है, यूनिवर्स आपको ये देखिए आपके पार्टनर को रियलाइज करवा दिया कि हमने जो तुम्हें चीज़ दी थी, जब हमने वो तुमसे छीन ली तो तुम उसके लिए रो रहे हो, तुम ये बताओ जब मैंने तुम्हें वो चीज़ दी थी तो तुमने उसको संभाल कर रखा, और संभाल कर रखने के बाद, संभाल के रखा तो ठीक है, तुमने उसकी कद्र की, चलो कद्र छोड़ो, तुमने कभी उसे मांगा है कि बस ये चीज़ जो मुझे दे दी इसको मेरे पास ही रहने देना, तुमने कभी मैनिफेस्ट किया, तुमने कभी उसको मांग कर अपने पास रखने की कोशिश की, तुमने कभी कद्र की, तुमने हमेशा सामने वाले को परेशान किया, ठीक है। तो इस तरीके का आंसर परमात्मा ने आपके पार्टनर को दिया। अगर आप कोई आंसर्स बिल्कुल करेक्ट लगते हैं और आपको ये रीडिंग एकदम ही करेक्ट लगती है, तो कमेंट सेक्शन में बिना कमेंट किए कोई नहीं जाएगा, ठीक है, और अपने पार्टनर के नाम से एक हार्ट ड्रॉप कर देना, क्योंकि वो बहुत याद कर रहा है आपको, और देखने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन के अंदर अवेयरनेस आ रही है, ये पर्सन आपके, मतलब आप में, ये पर्सन फिलहाल ना जो एनर्जी आ रही है गाइस, ये पर्सन पूरी तरीके से आप में खोया हुआ है, ठीक है, 101%, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से पर्सन आप में खोए हुए हैं। आप डेफिनेटली आज की कैंडल वैक्स रीडिंग देखिएगा, डेफिनेटली जब भी मैं करूँगी कैंडल वैक्स, क्योंकि आज की जो रीडिंग है ना बड़ी इंटेंस रीडिंग है, तो आपको बड़ी इंटेंस रीडिंग सुनने मिलेगी डेफिनेटली कैंडल वैक्स में, जब भी मैं करूँगी तो आप ज़रूर सुनिएगा आज की रीडिंग, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि बड़ी इंटेंस एनर्जी है आज के दिन की, ठीक है।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके आपके लिए खोए हुए हैं, जैसे कोई इंसान आपके लव में पूरी तरीके से डूबा हुआ है। एंड यहाँ पर साइलेंस का भी कार्ड, इस पर्सन को आपकी खामोशी लगातार चुभ रही है, लगातार आपका बदल जाना इस पर्सन को लगातार चुभ रहा है गाइस, ठीक है। और जैसे इस पर्सन आपकी जो एनर्जी इस पर्सन को लगातार आकर्षित कर रही है, यहाँ पर क्रिएटर की भी एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं, और ये पर्सन डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके जाने के बाद जैसे इस पर्सन की लाइफ एकदम अंधेरे में चली गई है, डार्क में चली गई, खत्म सी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिला है। और जैसे पर्सन को ही समझ में आ रहा है कि यू नो पास्ट में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा मतलब प्लेयर की एनर्जी में ये पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने यू नो फ्लर्ट करना, ये करना, वो, ये प्लेयर की एनर्जी में बहुत सारे लोग के पार्टनर रहे हैं पास्ट में अपनी गलतियों की वजह से। उस पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है एंड ये चीज़ इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि इन्होंने ये चीज़ें जानबूझकर आखिर की तो की क्यों, ठीक है। इसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों क्यों इस पर्सन ने ऐसा किया, काश इन्होंने उस समय पर ये सारी चीज़ें ना की होती, काश इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक ना किया होता, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत क्रिएटिव देख रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको देख रहे हैं तो आप तो बहुत क्रिएटिव हो, आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, आपने अपने आप को चेंज कर लिया, बहुत खूबसूरत तरीके से आप रहने लगे हो, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी है कि ये डार्क में जा रहे हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है गाइज, आपसे कितना रेजोनेट करता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू गाइस।